हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीडीएफ को हम पीपीटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपके पास पीडीएफ है, कुछ स्लाइड्स हैं, और उसको अगर आपको पीपीटी में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मुझे कोई डायरेक्ट मैथड नहीं मिला जिससे हम पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है canva.com। मैं 3-4 साल से ये वेबसाइट इस्तेमाल कर भी रहा हूँ और काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। आप बहुत इजीली जो है वो पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। बस इस वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको canva.com ओपन करना है। तो ये देखिए, canva.com हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको canva.com पे लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन ये देखिए मिलता है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन ये मिलता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अब आपको अपनी पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करनी है। तो डेस्कटॉप पर हमने सैम्पल पीडीएफ नाम से फाइल सेव कर रखी है, यानी कि पीपीटी जो हमने पीडीएफ में सेव करी थी उसको हमने सैम्पल पीडीएफ नाम से यहाँ पर सेव कर रखा है। तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ नीचे ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ रिसेंट में ये अपलोड होना, ये देखिए फाइल यहाँ पर शुरू हो गई है, ठीक है, ये देखिए अपलोड यहाँ पर ये हो रही है। अच्छा, अपलोड होने के बाद हमें क्या करना है, डबल क्लिक करिए और ये नए टैब में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और अभी आपके सामने जो पीडीएफ में पीपीटी हमने सेव करी थी वो सारी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ में पीपीटी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पर आपके सामने शेयर का ऑप्शन ये देखिए आता है, ये देखिए ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी, हाँ, इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ से स्क्रॉल करिए, उसके बाद ये नीचे मोर का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ से स्क्रॉल करिए और ये देखिए सेव वाले सेक्शन में यहाँ पर देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 5 पेजेस हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है ऑल 5 पेजेस। बस उसके बाद यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए और ये जो पीडीएफ में आपकी पीपीटी थी वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव होना, मतलब डाउनलोड होना, ये देखिए शुरू हो गई है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं डाउनलोड्स पे और ये देखिए ये है हमारी जो पीडीएफ जो पीपीटी में कन्वर्ट हुई है। अब इस पर डबल क्लिक करिए और ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये जो हमारी पीपीटी थी वो ओपन हो जाएगी। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये देखिए ये 5 पेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।